गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए क्लास टेंथ हिंदी मीडियम में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था और आज हम चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीनोमियल। आज हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये बहुपद क्या होता है। देखिए आपने क्लास नाइन्थ के अंदर भी बहुपद चैप्टर पढ़ा था जो कि सेकंड ही था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि इस बहुपद में क्या क्या है। तो इससे पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं। चर, अचर, व्यंजक क्या होते हैं ये देखिए। चर अचर व्यंजक के बारे में आपने पहले की क्लासों में पढ़ा हुआ है कि चर अल्फाबेट के मोस्टली एक्स वाई जेड को हम चर अक्षर के नाम से जानते हैं, वैसा आप अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर को चर मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो अधिकांशतः यूज में आते हैं वो एक्स वाई जेड, ये हमारे चर होते हैं। इंग्लिश में इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। हर क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो किसी में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी में एक्स की वैल्यू कुछ आती है। अक्षर तो वही एक्स ही है पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती है, इसीलिए हम इन्हें चर कहते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्स्टेंट, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 2, 5, 10 ये वैल्यू फिक्स हैं तो हमेशा इनकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी। अब इसके बाद में आता है कि व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये जो व्यंजक है ये क्या है? देखिए अगर आप चर और अचर इन दोनों को मिक्स कर दें, चाहे तो ऐड करके, चाहे सब्ट्रैक्ट करके, या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, तो जो हमें मिलेगा उसको हम व्यंजक के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे चर तो मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड मोस्टली इनका यूज करते हैं, और अचर में, अचर में जैसे 2, 10, 50 जितने भी आपके अंक हैं ये सभी क्या हैं, अचर हैं। और व्यंजक व्यंजक में आपके चार और अचर दोनों, चार और अचर का सम्मिलित रूप जैसे एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 4 5x अपॉन रूट 2 3x माइनस रूट 2, ये सारे क्या हैं आपके व्यंजक हैं। तो ये व्यंजक हो गए। अब इसके बाद में क्या आते हैं, बहुपद। देखिए बहुपद में और व्यंजक में थोड़ा सा अंतर है। व्यंजक के अंदर तो जो चर है उस चर की घात आपकी कुछ भी हो सकती है, चर की घात आपकी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में भी हो सकती है, आपकी प्लस में भी हो सकती है चर की घात, या फिर आपकी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। बट बहुपद के अंदर जब भी कोई हम बहुपद लिखेंगे उसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी भाई? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम, x की पावर 3/2 -5, इसके अंदर जो x की पावर है वो 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने की वजह से ये जो मैंने आपके सामने लिखा है
ये एक व्यंजक है। लेकिन बहुपद में क्या होगा कि x की पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो गया, एक्स क्यूब माइनस टू हो गया। तो ये आपकी जो मैंने दिखाया ये व्यंजक भी है और बहुपद भी है। लेकिन हमेशा बहुपद में जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या ही होगी और व्यंजक में जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है और एक परिमेय संख्या भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जैसे एक्स माइनस क्यूब, एक्स माइनस थ्री जो पावर है ये इधर प्लस का टू कर दो या कुछ भी कर दो, तो ये क्या है आपके व्यंजक है और ये भी क्या है व्यंजक है और ये दोनों ये आपके बहुपद भी हैं और व्यंजक भी हैं। तो आप जो बहुपद हैं ये व्यंजक का ही एक पार्ट है, बस सिर्फ अंतर इतना है बहुपद में कहीं भी जो चर की आपको घात मिलेगी वो एक पूर्ण संख्या होगी और व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, यानी कि अदर कोई भी पावर हो सकती है। तो ये इनमें बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस था। अब इसके बाद में देखिए जो बहुपद हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका बहुपद होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या है? देखिए रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो एक होती है। कितनी भाई? चर राशि की घात जिस बहुपद में एक होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर राशि है एक्स इसकी पावर कितनी है? एक है, क्योंकि इसमें पावर दिखाई नहीं देती तो हम एक ही मान लेते हैं और ए और बी यहाँ पर कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये कैसा बहुपद हुआ आपका? रैखिक बहुपद हुआ। अब देखिए इसके अंदर एक और आती है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपकी बहुपद की घात पता करने के लिए आपको क्या देखना होता है कि किसी भी बहुपद के अंदर चर की अधिकतम जितनी घात होगी वो उस बहुपद की घात कहलाती है। देखो बहुपद की घात, क्या होगा इसमें? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे मैंने देखा यहां पर 3x² + 4x³ + 5। अब इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें चर की अधिकतम घात है 3। तो इसकी जो बहुपद की डिग्री है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। या पूछा जाए कि बहुपद की घात बताओ तो इसमें हम 2 ना बताकर कितनी बताएंगे? 3, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 3 है। तो घात आपको समझ में आई बहुपद की? आप किसी भी बहुपद में चर राशि की ज्यादा से ज्यादा आपको पावर देखनी है, कितनी पावर है उसमें, वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। तो ये इस बहुपद की घात हो गई। तो देखिए बहुपद क्या हुआ, जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। अब इसके बाद में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है?
द्विघात बहुपद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो, उसे क्या कहेंगे हम, द्विघात बहुपद कहेंगे। और इस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या है, जिसमें लिख दो अधिकतम घात दो, चर राशि की अधिकतम घात दो होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और व्यापक रूप है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए आपने जीरो कर दिया तो उससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं ए बी सी। और दूसरे फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी किसका गुणांक है, एक्स का, एक्स का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है, अचर का, कांस्टेंट टर्म है। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब इसके बाद देखिए आता है इसके अंदर त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले द्विघात के बारे में और एक दो पॉइंट समझ लीजिए कि जो द्विघात बहुपद होता है इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका क्या ड्रॉ करें, ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसकी ग्राफ में जो आकृति बनती है द्विघात बहुपद की वो परवलय प्रकार की होती है। क्या नाम है इसका, परवलय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। देखिए जैसे ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट। अगर हम द्विघात बहुपद का क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ कैसा होगा, या तो वो ग्राफ इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि ऊपर की साइड में क्या होगा, ये खुलेगा, इस प्रकार से कोई एक वक्र होगा जो ऊपर की साइड में खुला होगा, और या फिर ये इस प्रकार से होगा, ये नीचे की साइड में ओपन होगा, या तो ये ऊपर की साइड में होगा या नीचे की साइड में। अब ये डिपेंड करेगा हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसके ऊपर, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है। अगर इसमें ए की वैल्यू आपकी धनात्मक है, ए ग्रेटर देन जीरो, तब तो ये ऊपर की साइड में खुलेगा, और अगर आपका ए जीरो है, ए इज लेस देन जीरो, तो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे की साइड में, यानी कि इस वाले वक्र का नाम है परवलय। क्या नाम है इसका, परवलय। ये भी आपका परवलय, परवलय। तो ये वाला आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा होकर के यूं भी ऐसे भी आ सकता है, या यूं भी आ सकता है, मतलब कहने का ये या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो ये द्विघात
बहुपद का जो ग्राफ हम खींचते हैं वो पद वाले प्रकार का आता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद, क्या नाम है? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। और इस त्रिघात बहुपद को जो व्यापक रूप में लिखते हैं वो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। अब इस व्यापक रूप में आप देखेंगे जो ए है एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी कि जो एक्स क्यूब वाला टर्म है उसका गुणांक है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी एक्स का गुणांक है और डी इसके अंदर क्या है? कोई भी कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का रूप होता है। अब देखेंगे इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ है जो आपका एक्स अक्ष को मैक्सिमम तीन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता हुआ एक कोई वक्र होगा, जैसे ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, तो इस प्रकार से आ सकता है 1 2 3। ये कम से कम एक्स एक्स को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा? तीन पॉइंटों पर, क्योंकि इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। तो ये था आपका त्रिघात बहुपद। देखिए अब यहाँ से जो आगे के इसके अंदर और भी पॉइंट बचे हुए हैं जो कि शून्यंक है, फिर आप द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालेंगे और इसके अंदर फिर आगे आएगा भाग विधि आएगी, तो और जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताएंगे। तो अभी आप पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आज चीज़ें डिस्कस की हैं इनको अच्छे से आप रीड करिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।